अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में 40s, 50s और 60s के दौर की जो हीरोइंस थीं, उनका अंदाज और लिबास हिंदुस्तानी हुआ करता था। लेकिन 70s के दौर में एक ऐसी हीरोइन आई जिसने आके सब कुछ बदल दिया, इंडियन अंदाज और लिबास को बदल के वेस्टर्न कर दिया। और वो हैं बेहद हसीन और खूबसूरत और फिल्मों की जीनत, जीनत अमान। नवंबर 1951 में पैदा हुई थीं जीनत अमान मुंबई में एक पठान खानदान में। उनके वालिद का नाम था अमानुल्लाह खान और वो अफगानिस्तान के पठान थे। बहुत हैंडसम और खूबसूरत नौजवान थे और राइटर बहुत अच्छे थे और वो काफ़ी अरसे तक मशहूर फिल्म मुगले आजम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के आसिफ के साथ काम करते रहे बहैसियत राइटर। जीनत अमान की माँ का नाम था वर्धनी और वो हिंदू थी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जीनत अमान अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। उनका ना कोई भाई है और ना बहन, लेकिन मशहूर फिल्म स्टार रजा मुराद उनके फर्स्ट कज़न हैं, क्योंकि जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खान और रजा मुराद की माँ लियाकत जहाँ बेगम दोनों सगे भाई बहन थे। जीनत अमान ने अपने स्कूल की पढ़ाई की पंजगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में और उसी दौरान उनके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए, यहाँ तक कि डाइवोर्स हो गया। और कुछ ही अरसे के बाद जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खान ये दुनिया छोड़ के चले गए। उसके बाद जीनत अमान की माँ ने दूसरी शादी कर ली एक जर्मन के साथ और जर्मनी चली गई। बड़े होने के बाद जीनत अमान ने अपनी पढ़ाई लिखाई की लॉस एंजलिस में और उसके बाद वो वापस आ गई इंडिया और मॉडलिंग करने लगी और साथ ही साथ बहसियत जर्नलिस्ट फेमिना में काम भी करने लगी। किस्मत उन पर बड़ी मेहरबान थी, 1970 में वो फेमिना मिस इंडिया बन गई। जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खान की बड़ी गहरी दोस्ती थी मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर और एक्टर ओपी रलहन के साथ, इसलिए फिल्मों में जीनत अमान को सबसे पहले ब्रेक दे दिया ओपी रलहन ने 1971 में और उस फिल्म का नाम था हलचल। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं, तुम्हें तो सब कुछ मालूम ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ, रास्ते में गाड़ी भी लेनी है। ओके बाय। जीनत अमान कहती हैं कि 1971 मेरे लिए बहुत मुबारक और लकी साल रहा, क्योंकि उसी साल मुझे फिल्मों में पहला ब्रेक मिला और उसी साल मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर और हीरो देवानंद साहब ने मुझे अपनी फिल्म के लिए हरे रामा हरे कृष्णा के लिए साइन कर लिया और उसके बाद तो मैं शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई। जीनत अमान के मॉडर्न रूप ने और वेस्टर्न अटायर ने सबको उनका दीवाना बना दिया, लेकिन राज कपूर कहते थे कि हमें तो जीनत अमान का हिंदुस्तानी रूप ज्यादा अच्छा लगता है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी
मीना तमान कहती हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने दौर के सब बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज के साथ काम किया, जैसे राज कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, फिरोज खान, संजय खान और राजेश खन्ना। लोगों का कहना है कि जीनत अमान ने दो शादियां की। उन्होंने पहली शादी की थी 1978 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हीरो संजय खान के साथ। संजय खान ने जीनत अमान से मोहब्बत तो की, लेकिन शादी की बात से वो हमेशा इनकार करते रहे और इसकी वजह ये थी कि वो पहले से शादीशुदा थे और कई बच्चों के पिता भी, इसलिए बहुत जल्दी लड़ाई और झगड़े शुरू हो गए। यहाँ तक के हाथापाई की भी नौबत आ गई और उसी दौरान जीनत अमान की एक आंख बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई, जो ठीक नहीं हुई। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और डाइवोर्स हो गया। खड़ी दो राहे पर ये पूछूं घबरा कर, खड़ी दो राहे पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां। संजय खान से अलग होने के बाद जीनत अमान ने 7 साल बाद दूसरी शादी कर ली 1985 में। उनके दूसरे शौहर का नाम था मजहर खान और वो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो थे। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा ये मुझे मंजूर नहीं, पड़े वक्त तो मोहताज सही पर मैं मजबूर नहीं, जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ, जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा क्या। जीनत अमान कहती हैं कि मेरी किस्मत में शादी का सुख नहीं लिखा है, क्योंकि संजय खान की तरह मजहर खान भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। मैं उनसे तलाक लेना चाहती थी लेकिन अपने बच्चों की खातिर नहीं ले सकी। जीनत अमान के दो बेटे हैं, अजान और जहान। जीनत अमान अपने बच्चों की खातिर मजबूरी में मजहर खान के साथ रहती रहीं, लेकिन अचानक मजहर खान बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनको किडनीज का प्रॉब्लम हो गया था और 1998 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। जीनत अमान कहती हैं कि मैंने फिल्मों में तरह तरह के रोल निभाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल रोल मैंने अदा किया है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, माँ और बाप दोनों का फ़र्ज अदा किया है। दोस्तों, जीनत अमान के बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बड़ा बेटा डायरेक्टर बन गया है और छोटा बेटा म्यूज़िक कंपोज़र। जीनत अमान अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं और खुश हैं। तो ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।